गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, चैप्टर फिफ्थ, फ्रैक्शंस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5B का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, साथ ही एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। फर्स्ट ऑफ आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर। रूल कह रहा है फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाय होल नंबर इज इक्वल टू फ्रैक्शन इन टू रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है 1/3 डिवाइडेड बाय 3, तो हम करते क्या है, फर्स्ट टर्म देखिए हम 1/3 एज इट इज उतारते, फिर हमारा जो डिवाइड है वो चेंज होता है मल्टीप्लाई में, अब जैसे ही डिवाइडेड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसका रेसिप्रोकल होकर 1/3 हो जाता है। देन 1/3 इंटू 1/3, 1 × 3 = 9। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखते हैं, रिप्लेस रिप्लेस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई साइन, यानी जो आपका डिवाइड था वो किस में रिप्लेस हो गया, मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसका हम एक और अदर एग्जांपल देखते हैं, 4/7 देन डिवाइडेड बाय 9, एज इट इज 4/7। ठीक है, देन अब जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई में चेंज, और 9 हो जाएगा हमारा 1/9। 4/1 = 4, 7/9 = 63। ठीक है, रिप्लेस द होल नंबर बाय इट्स रेसिप्रोकल। अब आता है हमारा डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन नंबर। आपको एग्जांपल दे रखा 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। 1/3 डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में चेंज होती है क्या हो जाएगा, 2/5 चेंज हो जाएगा 5/2 में, 5 वाले डिजिट ऊपर एंड 2 वाले डिजिट नीचे, मल्टीप्लाई करते 5 × 5, 3 × 2 = 6। ठीक है, इसका मैं एक अदर एग्जांपल लेते हैं, 6/19 डिवाइडेड बाय 12/38। 6/19 डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, 38 ऊपर आ गया और ये आ गया 12 नीचे। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे, 6/1 = 6, 6/2 = 12, 90/1 = 90, 92/38। ठीक है, 1 × 1 = 2, 2 × 2 = 1 तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 × 1 × 1 × 1, सो हमारे पास आया आंसर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन नंबर्स। रूल दे रखे आपको, होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन नंबर इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने वीडियोस पहले देखे थे क्वेश्चंस, उसी तरीके से ही होगा, 4 / 1/3, 4 डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, 1/3 चेंज होकर किस में जाएगा, 3/1, तो 1 का कोई साइज नहीं है, सो 3, देन 4 × 3 = 12। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, 16/2/5, 16 डिवाइडेड किस में चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, 5/2 इज इक्वल टू 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 8 × 5, 8 × 5 =
40, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन। फर्स्ट आता है व्हेन अ फ्रैक्शनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, द क्वेश्चन इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ। इसका सेंस मतलब कहने का मतलब है कि जैसे लाइक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, 2/3 डिवाइडेड बाय 1, किसी भी डिजिट को हम ठीक है 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर वही आता है जिस डिजिट से हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जैसे 2/3 को डिवाइड करने वन से हमारा आंसर 2/3 ही आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं, 2/3 डिवाइड बाय 1, 2/3 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 1 चेंज होकर कितना हो जाएगा 1/1 ठीक है। सो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इसमें हुआ क्या हमारा डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में और ये 1 जो है वो कहाँ आया इस ये रहा था। ओके, यानी किसी भी नंबर्स को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमारे को वापस मिलता है। इसका हम अब दूसरा एग्जाम दूसरा पॉइंट देते हैं, When 0 is divided by a fraction, the question is 0। यानी हम किसी भी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं ठीक है तो हमारा आंसर 0 ही आना है। एग्जाम्पल देखते हैं, 0 divided by 79 ठीक है, 0 को 0 डिवाइडेड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, ये हो गया 9/7। अब 9/7 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 0। तुम्हारा डिवाइड तो चेंज किस में हुआ था मल्टीप्लाई में, और 7/9 किस में चेंज हो गया 9/7 में ठीक है। यानी किसी को भी आप 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। थर्ड पॉइंट आता हमारा, व्हेन एनी फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज 1। यानी किसी भी नंबर्स को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 19/21 / 19/21 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 21/(inverse 19) 19 से 19 गया, 21 से 21 गया, आया क्या हमारा आंसर 1 ठीक है। चेंज क्या हुआ, वही डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, 19/21 चेंज हो गया 21/19 में। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5B पे। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड ये दे रखा है आपको 3/5 / 5 ठीक है। अभी आपको वीडियोस में दिखाई चुका था 3/5 डिवाइड चेंजेस हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई में, पहले इसको एज इट इज डाल लेते हैं डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3/5 डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया हमारा 1/5। सो 3 1 जाए 3, 5 5 जाए 25, दिस इज आंसर। 2/5 / 6, सो 2/15 मल्टीप्लाई 1/6, 2 का 2, एक काम करते उसको कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/15 मल्टीप्लाई 1/3, सो 1 मल्टीप्लाई 1, 15 3 जा 45। सी पार्ट, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको, सबसे पहले इसको सिंपल में चेंज करते हैं, 1 2/5 इसको चेंज करते हैं, 5 multiply 1 plus 2/5 = 5 plus 2/5 5 plus 2 7/5 ठीक है। 7/5 / 2 = 7/5 multiply 1/2, हमारा आंसर हो गया 7/10। ये हो गया हमारा
आंसर। इसका डी पार्ट अगेन आपको इंस्ट्रक्शन में दे रखा है 2 1/7। पहले इसको चेंज करते हैं, 2 × 7 + 1/7 = 14 + 1/7 = 15/7। 15/7 / 15 = 15/7 × 1/15। 15 से 15 गया, हमारा आंसर कितना आया 1/7। ओके, इसके डी पार्ट तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसका ई एफ जी एंड एच पार्ट आपको ट्राई कीजिए।